غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। उनकी अमानत की हिफाजत फर्ज है मुझ पर। मजबूत बनाऊंगी मैं अपने कबीले को इंशाल्लाह। अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारने का वादा, कुछ याद आया तुम्हें? मैं माजरत चाहती हूँ अमीर सादुद्दीन, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है तो फिर एकतरीना हमारी सल्तनत की किस्मत बदल डालेगी। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना निकोलस? मुझे कोई शुबा नहीं इस बारे में। कौन है ये शख्स? सुल्तान अलाउद्दीन। अर्तुल साहब, अब से मेरी रियासत के सरदार आला होंगे। इस खत्ते का इंतजाम अब इनकी जिम्मेदारी है। सिपाहियों, कोई भी अपनी बताई हुई जगह से नहीं हटेगा। खुली रखना अपनी आंखें, बहुत मोहतात रहना, समझ गए तुम सब? समझ गए तुर्गुत भाई। तीरंदाज छतों पर अपनी जगह संभाल लें। जज़ा आपका हुक्म तुर्कुत भाई। तुम सब भी अपनी जगह संभाल लो, जल्दी करो। चलो जल्दी अपनी अपनी जगह संभालो। भाई, भाई कुछ बताना है आपको। दरिया के किनारे सिपाहियों ने पानी से ज्यादा जगह घेरी हुई है। बहुत खूब बमसी भाई, अगर चंगेज खान भी आ जाए तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब तो अमीर सादुद्दीन भी चैन की नींद सो सकेगा। भाई तुम्हें क्या लगता है ये सब अमीर सादुद्दीन के लिए है? भाई ऐसे शख्स को कभी भी कोई अहमियत नहीं देंगे। भाई फिर ये इकदामात क्यों किए हैं, किसके लिए?
अबू मंसूर। अच्छा, ये इंतजामात उस बहादुर ताजिर के लिए है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। चाहे कुछ भी हो भाई, उसके लिए सब ठीक है। जिस तरफ भी वार करता है उसी तरफ जन्नत के फूल खिल जाते हैं। तुम्हें अभी भी सिर्फ उसके ताजिर होने का यकीन है? हाँ, तो और क्या, कोई बुजुर्ग है या कोई फरिश्ता है वो? हाजिर हो सकते हैं हम? सदक अल्लाह अज़ीम। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद सुल्तान। बहुत शुक्रिया। मसाइल की वजह से ये हिजाब इख्तियार करने पर मजबूर हूं मैं, वरना मैं बहुत पहले ही आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर होता और दुआओं से मुस्तफीद होता। हम सब बाखबर हैं कि इन मुश्किल हालात में भी आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कब्रिस्तान में आपको देखकर समझ गया था सूरत हाल। तशरीफ रखिए। पैगंबर अकरम का इरशाद है कि दो मुसलमान जब आपस में मिलते हैं तो अल्लाह इस बात की जमानत देता है कि दोनों को एक दूसरे से बगैर कोई नुकसान उठाए बेहतरीन नफा पहुंचे। हम सबको यूं मिलाने पर शुक्र है उस रब का। बेशक दुश्मन ने हमें हर जानिब से घेर लिया है। मेरे यहां आने का सबब आपकी दुआ खैर से फैजियाब होना है और दुश्मन की आमाजगा कारा जैसार के किले पर काबिज होकर फतह के दरवाजे खोलना है। जनाब के इस सफर को अल्लाह मुबारक करे। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने अजीम सरदार अजीम सुल्तान को दिया और हमारे सुल्तान को एक अजीम मकसद अता फरमाया। ये इत्तेहाद कायम रहे। आमीन आमीन। मेरी एक अंगुश्तरी में मौत है और दूसरी में हयात। फिर किस बात का खौफ है मुझे? चलो सादुद्दीन, काम अंजाम को पहुंचा दे। हम कूच के लिए तैयार है जनाब। आला जाबिर, अर्तुल साहब को खबर भिजवा दो, हम हानली बाजार के दौरे पर जाएंगे। सिपाहियों, आप यही मौजूद हैं अभी तक? बेशुमार दस्ते सलामी दे चुके हैं मुझे। कई लोगों को मैंने झुका दिया, किसी ने भी तुम्हारे जैसा रवैया इख्तियार नहीं किया मेरे साथ। अमीर सादुद्दीन, मेरी खामोश। इश्क अगर अपने महबूब का इंतजार करने का नाम है तो मैं पूरी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा असलेहान। किसी को भी तुम्हारे दिल में बसने की इजाजत नहीं दूंगा। कोई शख्स नहीं है मेरे दिल में अमीर सादुद्दीन। मैंने जो फैसला भी किया है कबीले के लिए किया है, जिस तरह आप सल्तनत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
तुम्हारी आंखों में मैं अच्छी तरह देख सकता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अंदर कबीले का सरदार बनने की जुर्रत कहां से आई है? क्या मैं नहीं समझ सकता हूं ये बात असलहान? अर्तुरुल साहब ने मेरे कबीले के साथ साथ मुझे भी हौसला दिया है। अल्लाह उनसे राजी हो, यही हकीकत है। हकीकत असल में क्या है ये मैं और तुम दोनों बखूबी जानते हैं असलहान। छोड़ दीजिए मुझे, तकलीफ हो रही है मुझे। हकीकत ये है कि तुम अर्तुरुल से मोहब्बत करती थी और आज तक उसे फरामोश नहीं कर पाई। बताओ मुझे, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जवाब दो मुझे। झूठ है ये, गलत है। मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगा असलहान, याद रखना। कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता, अर्तुरुल भी नहीं। निफाक में अजाब और इत्तेफाक में रहमत है। अब आप दोनों एक अच्छे हाकिम और मददगार की हैसियत से इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह मोहब्बत करता है साथ देने वालों से। ये इत्तेहाद इंशाल्लाह रहमतें, बरकतें और फुतुहात लाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कलहानली बाजार में हमारे सुल्तान की सदारत में एक मुलाकात का एहतमाम किया गया है। हम चाहेंगे कि आप भी शरीक हो। दावत कबूल करना सुन्नत है। जिंदगी रही तो हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह आपको उम्र दराज अता करे और हमें आपके इल्म इरफान से फैजियाब होना नसीब करे। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अब्दुलरहमान। अमीर हजरत तैयार है भाई, हानली बाजार जाने के लिए आपके मुंतजिर हैं। हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहो जाबिर, जल्द ही बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सर कटा देना मगर चुकाना नहीं, समझ गए ना तुम? जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत, मेरी जान आप पर फिदा है। आला, तुर्क कबाइल के सरदारान को खबर पहुंचा दी गई है। कल सराय में जिरगा रखा है हमने। मैं वहां मौजूद रहूंगी अर्तुरुल साहब, अपने भाई की नुमाइंदगी मेरे लिए शर्फ का बायस होगी, आखिरी सांस तक। या उस वक्त तक जब तक नया सरदार ना चुन लिया जाए। अमीर सादुद्दीन, चाहे मैं सरदार बनूं या ना बनूं, खिदमतगार तो रहूंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत खुशुसलूबी से निभाएंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। अपने भाई का इंतकाम लेने तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी अमीर सादुद्दीन। मेरे कबीले और सल्तनत की जिम्मेदारी अब मेरे शानों पर है। ये जिम्मेदारी मेरा फर्ज है और इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अगर आपके भाई और सुल्तान आपको देखते तो यकीनन आप पे बहुत फख्र करते असलहान खातून।
सलजूक सल्तनत इंशाल्लाह आप जैसी बहादुर तुर्क खवातीन के शानों पर बुलंद होगी। बहुत शुक्रिया आपका अबू मंसूर। इस मुलाकात में आलियार साहब के लिए अपने आखिरी फर्ज को भी पूरा कर देंगे हम। अल्लाह इसे पूरा करना नसीब करे। आमीन आमीन। कुर्बान हो जाए तुम पर दादी की जान। वालिदा, सुल्तान यहां क्यों आए हैं आखिर? मेरी बेटी, इस खत्ते के हालात तो जानती हो तुम। हो सकता है कि वो कोई खास मामला हल करने आए हो यहाँ। इस तरह खुद को मख्फी क्यों रखा है वालिदा? भेस बदल कर आने में क्या हिकमत हो सकती है? क्या मालूम उनकी इसमें क्या हिकमत पोशीदा है। अर्तुरुल को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मुझे डर है। बेटी, सुल्तान को अर्तुरुल पर पूरा यकीन है, तभी वो उसके साथ हैं। तुम क्यों इन बातों को सोचकर परेशान होती हो? अल्लाह ने चाहा तो इन मुश्किल दिनों पर भी काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा, अल्लाह उन्हें शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन। नूर हो तुम दादी की आंखों का। और आल मर गया, आलियार भी मारा गया, चावदार कबीला सरदार से महरूम हो गया। अर्तुरुल चावदार कबीले को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा, करने दो कोशिश। चावदार कबीले की तकदीर मेरे हाथ में है। क्या मतलब इसका वैसीलियस? एकतरीना के बतन में चावदार का वारिस पल रहा है। कैसे मुमकिन है ये? आप हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं वैसीलियस। अभी से खुश होना कबल अज़ वक्त है निकोलस। एकतरीना वफादार है या नहीं, पहले ये यकीन होना जरूरी है। उस पर अभी भी शुबा है। तुमने ये कहा था ना, अकलमंद औरतें ही खतरनाक होती हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक जहीन जमींदार हैं और बादशाह बनने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। शह के जवाल से पहले कोई मौत नहीं निकोलस, और प्यादों से छुटकारा पाए बगैर शह तक रसाई मुमकिन नहीं। हर खेल की एक तरतीब होती है। फैल जाओ सिपाहियों। सलीबियों से लिया गया यह हानली बाजार इस खत्ते के लिए रूह की हैसियत इख्तियार कर गया है अर्तुल साहब। किले की फतह के बाद ये इलाके और भी जरखेज हो जाएंगे अबू मंसूर। आपके हुक्म के मुताबिक सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। शुक्रिया तुर्गुत। दुकानदारों को बता दो कल कोई दुकान नहीं खुलेगी।
सरदारान से मुलाकात है कल हमारी। जो आपका हुक्म भाई। जाबिर, सुल्तान अलाउद्दीन, तुर्गुत भाई, क्या मैंने सही सुना है? भाई कल बाजार बंद कर रहे हैं क्या? क्या ये सब अबू मंसूर के लिए हो रहा है? कल सराय में तुर्क सरदारों का जरगा है बंसी। हो सकता है ये इंतजामात उस जरगे के लिए हो। खैर की उम्मीद रखो भाई, खैर की। खैर होगी। खुश आमदीद अमीर सादतीन। बहुत शुक्रिया अर्तुक साहब। अर्तुरुल सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक सराय को खाली कर दिया गया है। मेहमानों के लिए मुतबादिल खेमों का इंतजाम कर दिया है। सराय में सिर्फ अबू मंसूर और अमीर हजरत कयाम फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया अर्तुक भाई। मुझे इजाजत दीजिए। जयसार के किले के बारे में इशाये पर बात करेंगे। अभी मैं कोनिया से आए हुए मुक्तुबात पढ़ना चाहूंगा। अर्तुरुल साहब, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं मैं। हमारे सुल्तान मुअज्जम के किए गए फैसलों का मैं शाहिद हूं, जो हमेशा सही साबित हुए हैं। अर्तुरुल साहब, उनके यकीन और बसीरत ने सल्तनत को दवाम बख्शा है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। लेकिन ये कारा जयसार का मसला आपके कांधों पर है, ये बात मेरे लिए परेशान कुन है। परेशान होने की जरूरत नहीं अमीर सादतिन। बेशुमार तुर्क सरदारान अपने सिपाहियों के साथ मेरे हमराह होंगे। सुल्तान के फरमान के मुताबिक आप भी साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी मुझे मजबूत रखेगी। शुक्रिया अर्तुरुल साहब। मुझे पसिल्लर में आपसे होने वाली पहली मुलाकात याद आ गई। आप हमेशा से जिद्दी और निडर रहे हैं। अब सुल्तान के हुक्म के मुताबिक इस नई सूरत हाल को ही देख लें। आप इस मनसब तक अपने पंचे गाड़ते हुए पहुंचे हैं। हकदार हैं आप इसके, हकदार हैं। लेकिन मेरे तहफुजात अपनी जगह हैं। आप अपने तहफुजात का इजहार सुल्तान से रात के खाने पर कर सकते हैं। कारा जैसार किले को आप मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ कैसे हासिल कर सकेंगे? चले मान लेते हैं, लेकिन क्या बादशाह खामोश रहेगा? और वो लातीनी वो रुकावट नहीं बनेंगे क्या? अपनी बहादुरी और इस्तकामत से सुल्तान को आपने आज तो कायल कर लिया, लेकिन कल मेरी कही एक एक बात अगर सच साबित हुई तो सल्तनत के मुस्तकबिल पे इसका क्या असर होगा, कभी सोचा आपने? कारा जैसार को फतह करने के बारे में अचानक नहीं सोचा मैंने। इस सूरत हाल से मुतालिक मैं अपने तमाम इंतजाम कर चुका हूँ। तो गोया आप ठान चुके हैं। ये हुक्म हमारे सुल्तान का है, हम सिर्फ अपनी कोशिश करेंगे। आप परेशान ना हो। मैं पूरे खुलूस के साथ आपकी फतह के लिए दुआ को रहूंगा और मेरी नजरें आप पे ही लगी रहेंगी। मुझे एतराज नहीं।
शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और हमें इस मकाम तक पहुंचाया। चावदार के मौजज़ीन आलियार साहब ने अपनी खदमात अपने लोगों, कबीले और रियासत के लिए वक्फ की। आलियार साहब के यूं गुजर जाने से हम सब बहुत परेशान हो गए। हमारे कितने ही लोग और कितने ही सिपाही शहीद हो गए हैं। हम बहुत परेशान हाल हैं। उन लोगों की खुशनसीबी है ये कि शहादत के मकाम पर फाइज हुए। अल्लाह जब तक हम लोगों को भी इस मकाम से नहीं नवाज देता, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हमें ना तो अफसरदा होने की और ना ही मायूस होने की जरूरत है। उन मलूनों को ना तो कभी मेरी औताक में और ना ही मेरे कबीले में जगह मिल पाएगी। आप सब भी जान लेंगे। कई सालों से चावदार कबीला बगैर सरदार के नहीं रहा और जब तक मैं जिंदा हूं इस बात का इम्कान कभी भी पैदा नहीं होने दूंगी। अपने भाई की छोड़ी गई इस अमानत को मैं वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करूंगी। कभी भी कोई ऐसा ना सोचे। अगर किसी को कोई एतराज है तो वो आगे बढ़े और बयान करे। हम कभी भी इस तरह परेशान नहीं हुए असलीहान खातून। जब तक मेरे भाई का इंतकाम नहीं लिया जाता मैं पूरे हक के साथ ये फर्ज निभाऊंगी। जिस दिन मेरे भाई का इंतकाम ले लिया जाएगा उस दिन सरदार मुंतखब किया जाएगा और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने कबीले की सिपाही रहूंगी। अमीर सादतीन से आपके निकाह का क्या होगा असलीहान खातून? मेरा कबीला ही सब कुछ है मेरे लिए और बाकी सब मेरे लिए हराम है। यूं समझ सकते हैं आप इस बात को। यही आपके शाया निशान है असलीहान खातून। अल्लाह हमें दुश्मनों के खिलाफ फतह नसीब करे। आमीन आमीन। कल सराय में जिरगा मुनक्कित किया गया है। चावदार की तरफ से नुमाइंदगी मैं करूंगी। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत इत्मीनान का बाइस है असलीहान खातून। हमें आप पे मुकम्मल एतमाद है असलीहान खातून। उम्मीद है कि ये जिरगा हमारे लिए खैर का वसीला होगा। शहीद आलियार साहब की राह अपनाई है आपने, हम जानते हैं। अल्लाह आप सबसे राजी हो मौसा। आमीन। अल्लाह मुझे इस अमानत का बोझ उठाने की तौफीक अता करे और दूसरों का हक लेने से महफूज फरमाए। आमीन। त्यौहार का दिन है आज हमारे लिए वैसिलियस। अबू मंसूर को तुमने देख लिया है क्या? बिल्कुल। आलियार के जनाजे के बाद अर्तुरुल और अमीर सादतीन सराय आए थे। हिफाजती इकदामात तो ऐसे किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ तीरंदाज हर तरफ फैले हुए हैं। अर्तुरुल ने हिफाजती इकदामात में कोई कसर नहीं छोड़ी। हकीकत बताओ यह इंतजामात किसके लिए है? यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन के लिए। तुम्हें यकीन है? अपने अंदर पलती नफरत और तुम्हारे गुस्से की तरह यकीन है? वाह, अब तो तुमने मुझे पूरा जहां दे दिया है कतरीना। मैंने तुम्हारी मदद का वादा किया था वैसिलियस। जान लेने का नहीं बल्कि जान देने का नाम है और ताकत मैं हूं। वो ताकत मैं हूं। अर्थ
अर्तुरुल, तुम्हें इतना अरसा मैंने कैसे बर्दाश्त कर लिया? तुम कैसे हर बार मेरी चाल से बचकर निकल गए? मगर यह आखिरी बार है, इस बार कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी हस्ती को मैं अपनी हासिल करता ताकत के जरिए कुचल के रख दूंगा, ना इन इलाकों को जिन पर मेरा हक है, ना ही सुल्तान मुअज्जम को और ना ही उनके एतमाद को, ना ही असलहान को तुम मुझसे कभी छीन पाओगे। मेरी अंगुश्तरी का यह जहर सुल्तान के खाने में मौत बनकर उतरता चला जाएगा। उस वक्त आनन फानन तुम्हारी सारी खुद एतमादी हवा हो जाएगी। जब मैं अपनी दूसरी अंगुश्तरी से सुल्तान को उसका तिरियाक दूंगा तो वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और जब वो होश में आएंगे तो वो तुम्हारे सराय में होने वाली इस गद्दारी को समझ जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक तुम बहुत दूर जा चुके होगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखा भाई, ये अबू मंसूर के आदमी, इनके बाजू फौलाद की मानिंद लगते हैं। तुम अभी भी इनको ताजर समझ रहे हो बम से? पता नहीं भाई, लेकिन शुक्र है ये काफिरों के सिपाही नहीं है, वरना इनसे निपटना काफी भारी पड़ता। वैसे भाई को रात के खाने पे अमीर सादुद्दीन से और अबू मंसूर से क्या बात करनी होगी, क्या लगता है आपको? यकीनन कालीन के बारे में बात करेंगे, ये नया काम हमारे लिए नफा बख्श साबित होगा इंशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करें भाई, मुझे तो कुछ और ही लगता है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। शैतान का नाम लिया था भाई। अर्तुरुल साहब और अबू मंसूर को खबर कर दो, पहुंच चुका हूं मैं। वो इस वक्त मसरूफ है, गुफ्तगू हो रही है अमीर सादुद्दीन। भाई वैसे मुझे ये सल्तनत की बातें समझ नहीं आती, मगर लगता है ये नाम का अमीर अबू मंसूर से हसद कर रहा है। उससे भी कहीं ज्यादा बमसी। खैर की उम्मीद तो है मुझे, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। किले के अंदर पानी के 11 बड़े कुएं हैं मोहतरम सुल्तान। यानी किले के मुहासरे के दौरान सिपाहियों को पानी की किल्लत नहीं होगी? किल्लत ना भी हो तब भी सिपाहियों के लिए गजा का जखीरा काफी नहीं होगा मोहतरम सुल्तान, उन्हें एक लुकमा भी रोटी का नहीं मिल पाएगा। वैसीलियोस, हानली बाजार के साथ तजारत मुनकता करने के बाद अशियाए खुर्दनोश अपने किसानों को भारी महसूलात के एवज फराहम करता है। ये सच है सुल्तान। आओ सादुद्दीन, आओ।
अर्तुरुल साहब की गुफ्तगू सुन लो तुम भी। इन्होंने कारा जयसार के हवाले से कुछ अरसा पहले अहम मालूमात हासिल की थी। इंतहाई कीमती मालूमात हैं ये, और इनके हुसूल में इनके कई सिपाही भी शहीद हो चुके हैं। अर्तुरुल साहब की ये खास सिफत है, एक बार जो बात इनके दिमाग में समा जाती है उसका पीछा नहीं छोड़ते ये। अगर हम वेसिलियस को मुहासिरे की बदौलत किले में महसूर कर दें तो फिर हम उसको और उसके सिपाहियों को शिकस्त मानने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर बादशाह ने किले की हिफाजत के लिए कुमक भेज दी तो फिर क्या होगा? नीकिया से कारा जैसार की तरफ दो रास्ते हैं मोहतरम सुल्तान। अगर वो दोनों रास्ते महदूद कर दें तो नीकिया से आने वाले सिपाहियों को हम किले पहुंचने से रोक सकते हैं। तुर्क कबाइल के सरदारान अपने सिपाहियों के साथ उन दोनों रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। मेरे दस्ते रास्त के नीकिया में शहीद हो जाने के बाद अब और रास्ता नहीं है कोई। कारा जैसार का यह किला वेसिलियस और उसके सिपाहियों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा जिसमें हम उन्हें जिंदा दफन कर देंगे। आलियार साहब और दूसरे तमाम शहीदों के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक जंग करेंगे। मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं अर्तुरुल साहब, लेकिन अगर यह मुहासरा ज्यादा तवील हो गया और बादशाह की भेजी गई कुमक ज्यादा ताकतवर हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, यहां तक कि तुर्क कबाइल को भारी जानी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। दस्तरखान मुंतजर है। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किले का मुहासरा नहीं करेंगे हम। वेसिलियस हमला करने के बजाय दिफा को तरजीह देगा। हमें इसका अंदाजा नीकिया से आने वाली फौज के तेवर से हो जाएगा, और अगर आपकी फौज नहीं पहुंची तो भी वो हम पर हमला करेगा, और जब वो हम पर हमला करेगा तो उसे जगह नहीं मिलेगी छुपने की। वेसिलियस जब किले से बाहर आएगा तो उस वक्त उससे जंग करेंगे आप? उसका कलम शुदा सर बादशाह को भेजने के दिन के हम बेसब्री से मुंतजर हैं अमीर सादतिन। शुक्र है खुदा का। निकोलस, क्या तुम जानते हो
एक पहाड़ी कौवा कैसे खुद से ज्यादा ताकतवर जानवरों की मौजूदगी में अपने शिकार तक पहुंचता है? कैसे? अफरा तफरी फैलाकर, अतराफ में बैठे जानवरों की तवज्जो हटाकर। वो हसद रखता है और अपना शिकार किसी से नहीं बांटता। अगर उसे लगे कि शिकार हाथ से निकल रहा है तो वो छोटा सा, वो स्याह, वो करारी आवाज वाला परिंदा अचानक भूत बन जाता है। अर्तुरुल के बारे में तो नहीं कह रहे आप? अमीर सादतीन, अर्तुरुल के साथ नहीं चल सकता वो। और अब देखो तो सुल्तान सराय में अर्तुरुल के खास मेहमान बन गए हैं। मुझे यकीन है कि सुल्तान अर्तुरुल को अमीर सादतीन को सिखाने के लिए कोई खास हुक्म देंगे। अमीर सादतीन को वो बात पसंद नहीं आएगी, उससे में आकर मुश्किलात पैदा करेगा वो। सही कहा। पहाड़ी कव्वे की तरह। और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर अमीर सादतीन आपके मुताबिक सही आदमी है तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा। मगर क्या अमीर सादतीन क्या कर सकता है? वो जो चाहे करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फतह हमारी ही होगी। सुल्तान मौसम, अबू मंसूर को जहर दिया गया है, इन्हें कमरे में ले जाओ और अर्तुरुल साहब को जिंदान में डाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं अमीर हजरत? वो ताजर नहीं है असलहान खातून, सुल्तान अलाउद्दीन है। तुम हो इसकी वजह, क्योंकि तुमने उसको ये यकीन दिलाया है कि उसे और उसके कबीले को कभी तनहा नहीं छोड़ोगे।